करीब एक महीने की बगावत के बाद सचिन पायलट की कांग्रेस में घर वापसी हो गई है। आपसी बगावत को पद और प्रतिष्ठा की बात कहने वाले सचिन पायलट ने सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। कांग्रेस की ओर से कमेटी का गठन किया है जो कि सचिन पायलट की सभी समस्याओं का समाधान करेगी। इन बातों के साथ सचिन पायलट मान गए हैं और जल्दी ही कांग्रेस में वो किसी बड़े पद पर दिखाई देंगे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सचिन पायलट ने कहा, अशोक गहलोत ने आपके लिए बीजेपी सरकार गिराने की कोशिश सर अशोक गहलोत ने काफी सारे आपको लेकर के टिप्पणी की, निकम्मा, नकारा, छुरा घोंपने वाला, ये तमाम शब्द आपके लिए यूज किए उन्होंने। अभी क्या उनके साथ काम कर पाएंगे? उनका नेतृत्व मंजूर है अभी? ऐसा है, मैंने अपने परिवार से अपने जीवन में कुछ संस्कार हासिल किए हैं और कितना भी मैं किसी का विरोध करूं, वो कोई भी नेता हो, किसी दल का हो, मेरा कट्टर दुश्मन भी अगर हो किसी और दल में भी हो, तब भी मैंने कभी इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं किया। अशोक गहलोत जी मुझसे उम्र में काफी बड़े हैं और व्यक्तिगत रूप से मैंने हमेशा उनका मान सम्मान ही किया है, लेकिन अगर वर्किंग में, काम करने के तरीके में, गवर्नेंस में अगर मुझे कोई इश्यू दिखता है तो मेरा अधिकार है कि मैं उसमें अपना विरोध जाहिर करूं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार की टीका टिप्पणी हुई, जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, दुख तो हर इंसान को होता है, मैं भी इंसान हूं, लेकिन उसको अब मैं समझता हूँ मैं उस पर रिस्पॉन्ड करूँ वो उचित नहीं है। पब्लिक डिस्कोर्स में एक संवाद और एक शालीनता और एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए और मैंने अपने 20 साल के जीवन में कभी उस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं किया, इसलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार के आरोप लगाए गए, जिस प्रकार की बातें बोली गई, आज वो सब सच दुनिया के सामने आ चुका है। सचिन जी, आपने बड़ी बात कही।